क्या महाराष्ट्र में नवनीत राणा कट्टरपंथियों के निशाने पर है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमरावती में नवनीत राणा पर हमला हुआ और अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। ये आरोप बीजेपी नेता नवनीत राणा का है, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर हुए हमले और बदसलूकी की बात कही। साथ ही आरोप लगाया कि हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। मला पाहून जोरा जोरात अल्लाह अकबर करायला लागले आणि तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं, माझे कॉन्स्टेबलला लागणं, यांचे डोळ्याचं पूर्ण हे फाटलं। इस हमले में नवनीत राणा बाल बाल बच गई, लेकिन सवाल आखिर हमलावर कौन थे, उनका मकसद क्या था? अमरावती के खल्लार में एक सभा के दरमियान एक बहुत बड़ा राड़ा हुआ। उस राड़े के अंदर देखा जाए तो नवनीत राणा के ऊपर कुछ कुर्सियां जो है वो चलाई गई और उसके दरमियान नवनीत राणा जो है वो कार्यकर्ताओं में भिड़ गई थी। घटना के वक्त की तस्वीरें भी आई जिसमें नवनीत राणा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी, तभी वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उन पर कुर्सियाँ फेंकी और हमले किए। इस घटना के दरमियान उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बदसलूकी की गई, अभद्र इशारे किए गए, थूकने की कोशिश की गई और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। इस आरोप के बाद संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।